जय हिंद। भारत और चीन के सीमा विवाद को देखते हुए भारत अब चीन को आर्थिक रूप से घेरने के लिए पूरी तरह मन बना लिया है। भारत सरकार अब ये नहीं चाह रही है कि चीनी कंपनियां भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर या रेलवे में निवेश कर सके। साथ ही चीनी सेना की करीबी मानी जा रही जेटी कंपनी और हुआवे कंपनी जो मोबाइल के पार्ट्स बनाती है तथा जितने भी 4G और 5G की टेक्नोलॉजी के जो इक्विपमेंट है ये बनाती हैं, इनको रोकने के लिए ये भारत सरकार ने एक नियम बनाने जा रही है। हम आपको एक वीडियो भी बनाए थे जिसमें हम G4, G5 ये सब के बारे में बताए थे। उसमें ये भी बोले थे कि भारत सरकार को एक नियम बनाना चाहिए कि जिनका सीमा विवाद है भारत से, उन कंपनियों को भारत में प्रवेश नहीं मिले। तो भारत सरकार इस पर नियम पर विचार करने जा रही है कि जिन जिन देशों के साथ भारत का सीमा विवाद है वो भारत में निवेश नहीं कर पाएंगे। अतः इनका नाम लिए बिना इन्हें हम रोक सकते हैं और करोड़ों का नुकसान इससे चाइना को होगा। सीमा विवाद को देखते हुए हमारे प्रधानमंत्री अचानक लेह दौरे पर चले गए। ये 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित हमारा सेना का जो बेस था, यहाँ पे स्थिति का जायजा लेने के लिए मोदी जी वहां अचानक पहुंचे। मोदी जी के साथ थल सेना प्रमुख नरवणे साहब और हमारे CDS बिपिन रावत भी उपस्थित थे। इन्होंने पूरी स्थिति की जानकारी दिया। हालांकि अब तक के कोर कमांडरों की मीटिंग में कोई उत्साहजनक रिजल्ट नहीं आया है। हमने 2 कोर कमांडर की मीटिंग चाइना के साइड में किया और इस बार हम लोगों ने त्रिशूल सेक्टर में भी किया था, लेकिन इसका कोई खास नतीजा नहीं है। अभी भी गलवान घाटी, पोंगसो लेक ऐसे एरिया में अभी भी गतिरोध बरकरार है। लेकिन एक चीज सामने निकल के आई है कि अमेरिका जो दोनों विवाद में तटस्थ दिख रहा था, अब वो खुलकर चाइना का विरोध करने लगा है। और अमेरिका ने स्पष्ट कहा है कि भारत चीन सीमा विवाद चाइना के एग्रेसिवपन को दिखाता है जो अपने पड़ोसियों की जमीन को हड़पना चाहता है। इस तरह से अमेरिका पूरी तरह से चाइना के खिलाफ हो गया। हांगकांग की स्वायत्तता को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए चाइना ने जो अपना नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लाया है, इसके खिलाफ भारत भी पूरी तरह से अंतरराष्ट्रीय मंच पर मुखर हो गया है। और इस मुद्दे को भारत UNHRC यानी संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार संघ में उठाने की बात कहा है। और भारत ने कहा है कि हांगकांग में बहुत से भारतीय रहते हैं, हम उन पर अत्याचार नहीं देख सकते हैं। हांगकांग की स्वायत्तता को समाप्त करने के लिए चाइना बहुत सारे कदम को उठा रहा है। हांगकांग के प्रोटेस्ट को अम्ब्रेला प्रोटेस्ट कहते हैं। इस पर हम एक सेपरेट वीडियो बनाए हैं, इसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, आप देख लीजिएगा। हांगकांग का इतिहास क्या था, क्या था अफीम युद्ध और क्यों इसे अम्ब्रेला आंदोलन के नाम से भी जाना जाता। अतः भारत ने स्पष्ट संदेश चाइना को दे दिया है कि अगर आप हमें से सीमा विवाद रखेंगे तो हम आपको अंतरराष्ट्रीय मामले में कोई सहयोग नहीं करेंगे, बल्कि हमें जहां मौका मिलेगा हम आपके खिलाफ अंतरराष्ट्रीय मामले पर खड़े होते रहेंगे और साथ ही हम आर्थिक मोर्चे पर भी आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे। उधर पाकिस्तान से एक खबर आई थी कि पाकिस्तान ने अपने 20,000 जवानों को पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में भेज दिया है ताकि अगर चाइना उधर से हमला करता है तो 2-फ्रंट वार की स्थिति सामने आ जाए। लेकिन अमेरिका के दबाव में इमरान खान पलट गए। इन्होंने कहा कि भैया हम तो ऐसा कुछ भेजे ही नहीं है, आर्मी गई ही नहीं है, लेकिन सेटेलाइट इमेज से ऐसा पता चला कि वहां आर्मी आई है। पाकिस्तान पे कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए, वैसे भी हमें 2-फ्रंट वार के लिए रेडी रहना चाहिए। चाइना के इस नीति का अमेरिका ने भी काफी तीखी प्रतिक्रिया की है। माइक पोम्पियो ने भी कहा है कि हम अपनी सेना को जर्मनी से उठा के अब एशिया में भेजेंगे और उन्होंने जर्मनी में से अपनी सेना को कम किया है और अपने सबसे घातक नौसेना के 3-3 फ्लीट को इन्होंने दक्षिणी चीन सागर और पूर्वी चीन सागर की ओर रवाना किया है, जिसमें रूस बेल्ट है, रोनाल्ड रीगन है और आपका निमीज क्लास के ये जहाज है। आप देखेंगे ये 3-3 ये जितने भी जहाज हैं ये जहाजों का एक ग्रुप है, पूरा फ्लीट है। इसमें पनडुब्बी है, डिस्ट्रॉयर है, फ्रिगेट है, एयरक्राफ्ट कैरियर है। ये तीनों बहुत बड़े ग्रुप है जिस इनको जानबूझकर भेजा गया है ताकि चाइना जो है इस साइड में ज़्यादातर इंगेज रहे और हमें यहाँ पर टेंशन थोड़ा सा बैलेंस करने को मौका मिले। अतः चाइना के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए अमेरिका भी पूरी तरह से कमर कस लिया है। उधर नेपाल के प्राइम मिनिस्टर KP शर्मा ओली अपनी कुर्सी को कुछ समय और बचाए रख सकते हैं। एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो नेपाल जब 2006 में वहां से राजतंत्र समाप्त हुआ था तो वहां लोकतंत्र की जब स्टार्टिंग हुई थी तो 3 महत्वपूर्ण पार्टियां थी, एक नेपाली कांग्रेस गिरजा प्रसाद कोइराला के नेतृत्व में और एक जो थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओवादी। वो कम्युनिस्ट थे लेकिन माओ के विचारधाराओं को मानते थे, वो पुष्प कमल दहाल साहब की थी। इन्हें प्रचंड के नाम से जाना जाता है। ये भी भारत के फेवर में नहीं है, अगर इनकी पार्टी के हिसाब से देखेंगे, विचारधारा के हिसाब से, तो ये चाइना के ही फेवर में ज्यादा रहते हैं। जो तीसरी पार्टी हो गई वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूनिफाइड मार्क्सिस्ट एंड लेनिस्ट, यानी ये जो ये भी कम्युनिस्ट के हैं लेकिन ये माओ ये लेनिन और मार्क्स की विचारधाराओं पर चलते हैं, जबकि इनकी जो
पार्टी है वो माओ की विचारधारा पर, लेकिन दोनों की दोनों पार्टियां जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी हैं। 2018 में ये प्रचंड साहब की पार्टी और केपी शर्मा ओली की दोनों कम्युनिस्ट पार्टियां एक हो गई 2018 में और इनका नाम हो गया नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी यानी एनसीपी। अब इन लोगों में एक बातें तय हुई कि 2.5 साल प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली रहेंगे और 2.5 साल हमारे प्रचंड साहब रहेंगे। लेकिन 2018 बात होते हुए 2020 जब आया तो इनकी विचारधाराएं बदलने लगी और दोनों में एक चीज तय हुआ कि ठीक है आप 5 साल तक प्राइम मिनिस्टर रह सकते हैं लेकिन पार्टी की सारी कमान वो पुष्प कमल दहाल यानी प्रचंड साहब के पास रहेगी। अब ये तो बात तय हो गया, लेकिन केपी शर्मा ओली की जो दबदबा था वो कम होता गया और पार्टी में इनकी पहुंच भी कम थी और दहाल साहब की पार्टी में पहुंच ज्यादा है। इसको देखते हुए नेपाल ने भारत का कार्ड खेलना चालू किया और ये भारत विरोधी काम तब से चालू किए जब चाइना ने अपना राजदूत हाउ यांकी को भेजा। हाउ यांकी कई बार नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी से मिल चुकी है, इन दोनों पार्टियों के गठबंधन में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये पार्टियां दोनों टूटने वाली थी और केपी शर्मा ओली की सरकार गिरने वाली थी, इसमें इनका बहुत ज्यादा रोल रहा है। अब जब इनकी सरकार गिर रही है ओली साहब की और वो भी किस वजह से, इन दोनों में आपसी पार्टी में नहीं जम रहा है। भाई आपने 2.5 साल का आपने वादा किया था और वादा नहीं हुआ तो पार्टी तो टूट ही गई थी, जैसे हमारे यहाँ महाराष्ट्र में हुआ था। आप सुने होंगे कि दोनों में 2.5 साल की बात हुई थी, नहीं हुआ तो दोनों में टूट गए। अब ये पूरा ठीकरा फोड़ दिए किस पर, भारत पे, कि भारत चाह रही है, कि भारत सरकार चाह रही है कि इनकी पार्टी को तोड़ा जाए। अब इनमें पार्टी में और गुस्सा बढ़ गया। अब दाल साहब के पार्टी के लोगों का क्या कहना है कि भाई आप या तो साबित कीजिए कि भारत इन लोगों पर प्रेशर बनाया है और नहीं तो आप इस्तीफा दीजिए। लेकिन अब ये कुछ कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन अभी भी ये कुछ दिन तक अपनी कुर्सी को बनाए रखेंगे। ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है कि बहुत ही जल्दी ये दोनों पार्टियां फिर से टूट जाएंगी और पार्टी में ज्यादा दबदबा दाल साहब की पार्टी का है और इस बार जो प्राइम मिनिस्टर होंगे वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल जो माओ है उसकी ओर से, ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है कि माधव राय नेपाल को प्राइम मिनिस्टर का पद मिल सकता है। आगे क्या होता है मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।